नमस्कार मेरा नाम हिमांशु तिवारी स्वागत करता हूं आपका तारीख आज सात जुलाई 2020 और आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक एम पी एग्जाम्स आर्ट एंड कल्चर की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया था और वो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज हम अब आगे कंटिन्यू करने वाले तो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में अभी तक आपने एंशंट के सब तक लगभग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देख लिए हैं पॉटरी भी हमने काफ़ी देखी इसके अलावा लास्ट क्लास में जब हमने गुप्ता एज पढ़ा था तो आपने जितने भी टेम्पल्स थे टेम्पल स्ट्रक्चर देख लिए सबके बारे में पढ़ लिया समझ लिया कि कितने स्टाइल होते हैं टेम्पल्स के कौन कौन से टेम्पल्स कहाँ कहाँ किसने किसने बनवाए इसके साथ साथ जो मुगलिया सल्तनत का आर्किटेक्चर था हमने इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ा जिसमें आपने दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगलिया सल्तनत तक और फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर में पुर्तगीज से लेकर के अंग्रेजों ने जो जो भारत में बनवाया वो सब पढ़ा तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ चुके हैं तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर ये वाला जो पोर्शन है ना वो आपका कवर हो गया ठीक है जो आपका आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का जो पोर्शन था वो हो गया कवर अब बेसिकली बात करेंगे आज हम पेंटिंग्स की कौन कौन तरह के पेंटिंग्स होती हैं उन पेंटिंग्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है किस किस ने बनवाई वो पेंटिंग्स तो जो आपकी फोक पेंटिंग्स हैं इनके बारे में भी हम लोग नज़र डालेंगे क्लियर है तो आप पूरा पूरा एकदम कंप्लीट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चलिए तो आज हम पूरा पेंटिंग्स कंप्लीट करने जा रहे हैं चलिए तैयार हो जाइएगा लेट्स क्रैक एम पी एग्जाम्स दिन रात आपके लिए मेहनत करता है मेरा नाम हिमांशु तिवारी है लिस्ट है उन एग्जाम्स की जो मैंने अपने जीवन में क्वालिफाई किए हैं मेरा टाइमिंग साढ़े चार से साढ़े पाँच फाइव थर्टी है ना ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है आप फॉलो कर सकते हैं इसको और अगर आपने अनअकैडमी ऐप आप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो ये यहां पर ये कोड लगाना होता है आपको फॉर द डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट दस परसेंट का आपको इससे डिस्काउंट मिलेगा सात हजार पांच सौ साठ इज द दो साल का और ये नंबर है इसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एड होने के लिए इस पर हेलो भेज दीजिएगा ताकि आपका नंबर जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एड कर दिया जाए क्लियर है चलो बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ठीक है दोनों बहुत लिंकअप है तो अगर आपको इतिहास थोड़ा बहुत ठीक ठाक आता है या नहीं भी आता है तो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है ठीक है वैसे अगर आपने देखे होंगे मेरे हिस्ट्री के लेक्चर तो आपको ओब्बियसली पूरे समझ में आ गए होंगे ऐसा आशा करता हूँ और आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री से पूरी हंड्रेड परसेंट लिंकडअप है तो अगर जब आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो ना मीन्स में या प्री में बेसिकली uh, मीन्स में जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर के एक दो पॉइंट को भी एड ऑन कर देते हो ना तो वो बोनस पॉइंट होता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि हर आदमी इतने ब्रॉड लेवल पे या थ्री लेवल पे इतने सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं कर सकता आपको बस भाई जनरल पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं ठीक है कि हिस्ट्री में तो आपने नॉर्मल नॉर्मल जो भी पॉइंट आपको पढ़ाए जाते हैं आप वही बेस वेस उठा के चिपका आते हो फिर वही 600 700 800 सौ आठ सौ तो दम तोड़ देता है नंबर है ना लेकिन आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा पोर्शन है जिसके पॉइंट्स को आप जोड़ करके आपके मार्क्स को बहुत उठा सकते हो क्लियर है शुरू करते हैं तो देखो मैं आपको पढ़ता रहूंगा और समझाता रहूँगा पढ़ के तो आप ये जो फोटोज है ना अच्छा फोटोज इस तरफ लगी हैं तो इन फोटोज को आप ध्यान से देखिएगा ये अपने दिमाग में चिपका लीजिएगा ठीक है ये फोटोज ही हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर या पेंटिंग्स खास तौर पे याद रखने में मदद करेंगे क्योंकि पेंटिंग्स एक वास्ट है ना पहले हम लोग एंशियंट पढ़ेंगे फिर उसके बाद मिडाइवल देखेंगे फिर उसके बाद मॉडर्न देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो फोक पेंटिंग्स हैं वो भी देखेंगे तो आपको बेसिकली ये फोटोज याद करनी पड़ेंगी ठीक है तभी आप ये खुद से लिख पाओगे अगर आपको फोटोज याद नहीं रहेगी तो आप लिख नहीं पाओगे क्लियर है लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले आपको पता है प्री हिस्टोरिक पीरियड जब इतिहास लिखा ही नहीं जाता था तो उस समय पेंटिंग्स बनाई जाती थी कौन बनाते थे वही मानव या जो गुफाओं में रहने वाले लोग थे वो बनाया करते थे पेंटिंग्स ठीक है तो उन पेंटिंग्स में आप समझो वो कहां बनाते थे वो पेंटिंग बेसिकली रॉक के ऊपर बनती थी एक पत्थर से लेकर के जानवरों की तस्वीरें या फिर इंसानों की तस्वीरें अच्छा आप कभी सोचते हो कि बेसिकली हम अपने या जैसे आपको कोई कुछ बोला जाए कि कुछ पेंटिंग बनाओ तो तुम क्या बनाओगे तुम कोई डे टू डे लाइफ बनाओगे ना कुछ भी कहीं घूमने गए हो या स्कूल की लाइफ या कॉलेज की लाइफ या अपने घर की लाइफ कुछ भी ऐसा बनाओगे जो तुमने आसपास देखी हो या आसपास तुम करते हो या रोजमर्रा का जो जीवन है वही तो तुम पेंटिंग में बनाओगे तो उस समय के लोगों ने भी वही काम किया जो वो रोजमर्रा का काम करते थे तो वही उन्होंने पेंटिंग्स में बनाया तो पुराने जमा समय में काम क्या था नौकरी नौकरी चाकरी का तो सिस्टम था नहीं तो सिंपल शाम क्या था सुबह उठो जानवर को मारो शाम को पकाओ और खा जाओ है ना इसके अलावा तो कोई काम था नहीं तो वही काम यहाँ पे तुमको दिखाई देंगे जानवर देख लो यहाँ पे देखो ये जानवर को ये तीर धनुष से कुछ मारने की कोशिश हो रही है यहाँ पे इनको जानवर दिख रहे हैं और उसको मारने की कोशिश हो रही है इसके अलावा तो कुछ उस पेंटिंग में तुमको दिखेगा नहीं क्लियर है तो ये होगा प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स क्लियर है आगे बढ़ेंगे अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया अब समय बीतेगा तो लोगों के यहां थोड़ी बुद्धि आती है तो जब लोगों के पास बुद्धि आती है तो क्या होते हैं युद्ध होने शुरू होते हैं ठीक है और इस पेंटिंग से देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है तो ये हम बात करेंगे चालकोलिथिक पीरियड की है ना तो अब बताओ तुम काशी युग कौन सा है कांश्युग सभ्यता कौन सी है और कौन सी नहीं है क्लियर है तो अब यहां पर आप बताओ मुझे कि ये जो जानवरों को तुम देख रहे हो ध्यान से तो देखो बहुत सारे लोग जानवरों के ऊपर बैठे हुए हैं ठीक है और युद्ध कर रहे हैं ये भी हो सकता है इसके अलावा इससे और क्या क्या चीजें समझ सकते हो तुम कि अगर जानवरों के ऊपर इंसान बैठा हुआ है इसका मतलब क्या उसने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया पेट इसी कड़ी में पहला सवाल आता है कि क्या तुम बता सकते हो कि आदिमानों ने सबसे पहला किसको पालतू बनाया था है ना इस किसको क्यों कौन से जानवर को सबसे पहला पालतू बनाया था तो इस पे देखो तुम लोग लड़ रहे हैं जानवरों के ऊपर बैठ के ठीक है तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया इसके अलावा देखोगे तो ये युद्ध भी कर रहे हैं आपस में लड़ाई वगैरह भी शुरू हो गई है तो इस पेंटिंग को देख करके तुमको ये भी समझ में आता है और क्या समझ में आता है तो देखोगे और यहां पर तुम देखोगे तो ये पेंटिंग बहुत सिंपल है ठीक है एक सफेद पत्थर के ऊपर एक लाल कलर का कोई पत्थर लेकर के ये पेंटिंग बनाई गई है अब तुम ये समझो कि एक सिंपल दो पत्थरों के मतलब एक कोई पत्थर लेके अगर आप कुछ खींच दो तो कितने साल रहेगा इस पेंटिंग को करीब पांच छह हजार साल पुरानी पेंटिंग है ये अब राम जाने ये पेंटिंग उन्होंने कैसे बनाई होगी लेकिन हाँ इतिहासकार ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा जरूर ढूंढ लिया था कलर वगैरह या फिर कुछ ऐसा पत्थर जरूर ढूंढ लिया था जो कि बहुत ड्यूरेबल था क्लियर है तो उस पत्थर से एक सफेद पत्थर के ऊपर बनाए गई चित्र ठीक है कहां कहां पे अगर चालकोलिथिक पीरियड की मैं बात करूं तो इसके अलावा अच्छा एक चीज और इस समय ना तुम देखोगे तो इनके पास थोड़ी पतलून टाइप की चीज नजर आएगी ठीक है पतलून मतलब क्या होता है जैसे जानवरों का ना खाल उधेड़ करके उसको केमिकल में डुबो करके एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टैनिंग प्रोसेस ठीक है तो उससे वो बनाया जाता है कपड़ा जो पहनते हैं लेदर के तो टैनिंग प्रोसेस तो उससे ये समझ में आता है कि इस समय तक जो इंसान था वो जानवरों की खाल निकाल करके कपड़े बना कपड़े क्या है? इन द सेंस की पहनने के लिए कुछ कुछ बनाने लग गया था टैनिंग प्रोसेस उनको आता था अंग्रेजी में उसको टैनिंग प्रोसेस ठीक है कुछ साइट्स देख लो अगर तुमको एग्जाम में लिखनी पड़े तो जैसे छत्तीसगढ़ में हैं, दो तीन साइट्स हैं, नाम देखो उसका ध्यान से। एक तो बस्तर है, है सरगुजा है दुर्ग है, ये सब में है, मेजर साइट्स हैं, की। है। अब ये तो था प्री हिस्टोरिक पीरियड अब हम लोग बात करेंगे अपने जो नॉर्मल फ्रेस्को एंड म्यूरल की तो फ्रेस्को और म्यूरल परसों म्यूरल क्या होता है एक सिंपल दीवार है है। उसके ऊपर तुमने कोई पेंटिंग बना दी तो दैट इज कॉल्ड म्यूरल प्लास्टर और उसके ऊपर जब वो गीला है ना तभी उस पर पे पेंटिंग कर दो तो इससे क्या होगा जब वो सूखेगा ना जब वो सूखना शुरू होगा तो पेंटिंग के साथ सूख जाएगा तो उससे और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है तो म्यूरल सिंपल दीवार पे होता है फ्रेस्को लाइन वाली गीली दीवाल पे होता है प्लास्टर जो चढ़ाते हो तो ये देखो वही सबसे पुराना जो म्यूरल का एग्जाम्पल मिलता है हमको वो कहां मिलता है सिस्टन वेटिकन सिटी में ये सिस्टीन चैपल चर्च है वहां पर तुमको देखने को मिलता है कहां पे वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी के बारे में आशा करता हूं आप लोग जानते होंगे ठीक है अब चलो शुरू करते हैं हम लोग अजंता की गुफाओं से तो अजंता की गुफाओं के बारे में मैंने तुमको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ये म्यूरल और फ्रेस्को पेंटिंग दोनों मिलती हैं बेसिकली तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो जो बुद्ध की जीवनी है जो जातक कथाएं हैं उनसे प्रेरित होकर के पे तुमको सीन देखने के लिए मिलेंगे तो बुद्ध का जीवन चरित्र यहां पर तुमको देखने को मिलेगा जातक कथाओं से प्रेरित चीजें तुमको यहां पर देखने को मिलेंगी देखो ये पेंटिंग्स कितनी पुरानी हैं, कितनी करीब तीन चार हजार साल पुरानी पेंटिंग्स हैं ठीक है तो ये जो पेंटिंग्स हैं बेसिकली आज भी अभी तक अगर तुम्हें सबसे अच्छा जो नमूना माना जाता है पेंटिंग्स से देखो गुफाओं में हमने बात की थी अजंता की लेकिन अगर सबसे अच्छा नमूना पेंटिंग्स की भी बात करें तो हम किसको लेते हैं अजंता को लेते हैं चार हजार साल पुरानी पेंटिंग आज भी तुम्हारे सामने जस की तस है कुछ कुछ यहाँ पे पानी वानी का सिस्टम था पानी रसने लग गया था उसकी वजह से ना ये सारी की सारी पेंटिंग्स क्या हुई थी खराब हो गई थी क्या हो गई थी तो कुछ कुछ पेंटिंग्स खराब हो गई थी लेकिन उसके बावजूद ये पेंटिंग्स धीरे धीरे अभी इनका संरक्षण किया गया है जिससे काफी फायदा है क्लियर है चलिए आगे हम बात करेंगे तो देखो थीम क्या रहेगा इसमें बुद्धा का जो जीवन है जातक कथाओं का इसमें थीम रहेगा ठीक है इसमें डेकोरेटिव काम किया गया है तुम्हें और भी जानवर वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे बुद्ध के जीवन से, जैसे बाघ है है ना या हाथी है या बैल है या घोड़ा है ये सारी की सारी चीजें तुमको देखने के लिए यहां पर मिलेंगे क्लियर है अब बात करेंगे एलोरा की अच्छा तुमसे ये सवाल पूछा जाता है बेसिकली एक सवाल कि अजंता की जो गुफाएं वो किस धर्म से रिलेटेड है तो आंसर इसका बुद्ध है है ना बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था इस क्लास में भी मैं तुमको फिर से बता रहा हूं कि अजंता

पहले वाली जो थी अजंता की वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थी ठीक है अब यहां पर देखो जो म्यूराल पेंटिंग्स हैं म्यूराल मैंने आपको बताया सीधे दीवार पर जो बना दी जाती है वो आपको कैलाशनाथ टेम्पल तो कैलाशनाथ टेम्पल कौन सा है ये टेम्पल देखो वो मैंने आपको बताया था जो एक स्लैंड हाइट पर है काट करके बनाया गया है उस पे है तो ये देखो ये है वो कैलाशनाथ टेम्पल तो यहां पर तुमको बेसिकली म्यूरल पेंटिंग्स देखने के लिए मिलता है ये सारी पेंटिंग्स वहीं की हैं ठीक है ठीके? ये सारी की सारी तस्वीरें मैं तुमको तो भी दिखाऊंगा ओरिजिनल तस्वीरें हैं क्लियर है तो ये तुमको तस्वीरें याद रहनी चाहिए ठीक है तो आगे देखो यहां पे तो यहां पे जितने भी धर्म थे जैसे बुद्धिज्म की भी तुमको मिल जाएंगी जैनिज्म की भी मिल जाएंगी हिंदुइज्म की भी तस्वीरें तुमको यहां पर मिल जाएंगी यहां पर देख सकते हो ये तस्वीरें हैं कुछ कुछ ठीक है तो ये पेंटिंग्स उस समय की बनी हुई है जो मिलती हैं हमें कहां पे एलोरा केव्स में लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे मिलती हैं ये जो कैलाशनाथ टेंपल है कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में उसमें ज्यादा क्लियर है आगे देखो अब बाघ पेंटिंग तो आपको पता ही है बाघ किस जिले में पड़ता है और कहां पे है तो बाघ बेसिकली बाघ में जो पेंटिंग है ना वो अजंता की जो गुफाएं है ना उससे संबंधित है किससे संबंधित है जो अजंता की जो गुफाएं हैं संबंधित नहीं बेसिकली उसी के जैसी हैं ठीक है अजंता की गुफाओं जैसी ही है लेकिन यहां पर ना पेंटिंग सेकुलर है धार्मिक नहीं है यहाँ पर ना जो पेंटिंग्स है ना वो सेकुलर है कैसी है सेकुलर है ऑल दो आप बोल सकते हो रिलेटेड है लेकिन सेकुलर है इसमें किसी द, धर्म की बात नहीं की गई है ठीक है तो ये बाघ पेंटिंग्स हैं तुम देख सकते हो आम आदमी के जीवन से संबंधित ये पेंटिंग्स है अच्छा सारी की सारी पेंटिंग्स पर ना तुम ध्यान जरूर देना क्यों क्योंकि यहां पर देखना कलर्स का प्रयोग देखो यहां पर कलर थोड़े फीके हो गए हैं क्या जो हमने स्टार्टिंग में देखा था अजंता में थोड़े चटक कलर थे पावरफुल कलर थे जो बेसिक कलर्स होते हैं एक बार ध्यान रखना है पे बेसिक कलर्स की हम बात करेंगे देखो ब्लू कलर का बहुत ज्यादा उपयोग देखने के लिए मिलेगा तुमको इसमें ब्लू कलर का बहुत ज्यादा उपयोग देखने के लिए मिलेगा ठीक है ये यहां पे देखोगे तो भगवान बुद्ध के पीछे तुमको हेलो वगैरह नजर आएगा थोड़ी डिटेलिंग नजर आएगी है ना तो ये कौन सी म्यूरल पेंटिंग से बस तुम यह ध्यान रखना कलर्स कलर्स बहुत ध्यान रखना तुम्हारे एग्जाम में बस तुमको पेंटिंग ही याद रहेगी बाकी मेरे शब्द अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है ठीक है इसमें और देखो देखो ध्यान से इसके अलावा देखो बेसिकली ये जो आम जनजीवन था ना आम जनजीवन था उससे ज्यादा संबंधित थी बेसिकली इसको अगर हम बोलेंगे तो ये कैसी नेचर में है ये धार्मिक धार्मिक नहीं है नेचर में बेसिकली ये कैसी है ये धार्मिक नहीं है नेचर में ठीक है ये कैसी है ये सेक्युलर कैसी है ये सेक्युलर है क्लियर तो है आगे देखेंगे ये के पेंटिंग्स बाघ की अब देखेंगे थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं तो साउथ में देखो अर्रामलाई अर्मा मलाई ठीक है अर्मा मलाई पेंटिंग्स हैं वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में यहां की जो आ, पेंटिंग्स हैं वो किससे रिलेटेड है जैन धर्म से संबंधित है ये सवाल सीधा एग्जाम में पूछ लेगा तुमसे कि अरमा मलाई पेंटिंग्स किससे संबंधित है जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनसे सीधा सवाल बनता है खैर आपके एमपीपीएससी में तो नहीं पूछेगा यूपीएससी में जरूर सीधा सवाल बनता है कि अर्मा पेंटिंग बताइए कि किस धर्म से संबंधित है आंसर है इसका क्या जैन धर्म से संबंधित है ठीक है और राज्य कौन सा है आपका तमिलनाडु कब बना था आठवीं शताब्दी में बना है और इसमें अष्टाधिक पालक अष्टाधिक पालक की बात की गई है पेंटिंग देख लो पहले तो अष्टाधिक पालक की बात की गई अष्टाधिक पालक मतलब आठों दिशाओं में जो भगवान रहते ना उनके बारे में बात की गई तो अष्टाधिक पालक अरमा मलाई पेंटिंग्स तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट रहेगा वेल्लोर धर्म रहेगा तुम्हारा जैन अष्टाधिक पालक ये कुछ कुछ जो मेन मेने मैंने पॉइंट्स लिखे ना तमिलनाडु ये देखना सब में रेड रेड मिलेगा तुमको ठीक है जैन आठवीं शताब्दी अष्टाधिक पालक ये तुम याद कर लेना या अपने जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें ये बस पॉइंट नोट कर लेना डन है इसके अलावा तुमको और कुछ जानना नहीं है ठीक है इसके अलावा देखो सित्ता आ, केव से भी वही है और ये जगह क्या रहेगा वही तमिलनाडु में है पुड्डु कोट्टई क्षमा चाहूंगा अगर मैं किसी शब्द का उच्चारण गलत करूंगा तो अगर आप वहां के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बस क्षमा मांग लेता हूं मैं पहले ही पुड्डु कोट्टई कहां पे है तमिलनाडु में है ये इसका भी धर्म किस धर्म से रिलेटेड जैन टेम्पल्स हैं अजंता और बाघ से लगभग मिलती जुलती कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं ठीक है और बेसिकली ये बनवाया किसने था पल्लव और पांडवों ने बनवाया था ठीक है यहां पर तुमको एक चीज देखनी है ध्यान से पता है क्या यहां पे जो पेंटिंग्स है ना वो दीवाल के साथ साथ जो आपके खंबे हैं जो पिलर्स होते हैं ना उसके ऊपर ही बनाई गई थी अभी तक जो हमने चारों पेंटिंग पढ़ी वो किसके ऊपर थी वॉल के ऊपर थी दीवार के ऊपर थी लेकिन ये जो पेंटिंग है या यहां पर जो पुडु कोट डिस्ट्रिक्ट में जो भी पेंटिंग है वो किसके ऊपर है पिलर्स के ऊपर भी है और दीवार के ऊपर भी है तो ये मेन मेन जो पॉइंट्स है वो मैं बताता चल रहा हूं वो आप नोट डाउन करते रहिएगा आगे आगे देखो आगे है रावण छाया रॉक सेल्टर रावण छाया रॉक सेल्टर ये क्यों डिस्ट्रिक्ट में है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है आपने बहुत बार नाम सुना होगा

एक छाते के शेप में है बेसिकली ये क्या है एक रॉक शेल्टर है यहां पर ऐसा कहा जाता था कि ये बेसिकली एक गुफा टाइप का है है ना वहीं पे पे है ये रॉक यहां पे जैसे राजा लोग आते थे किस लिए शिकार करने के लिए आते थे रॉयल प्रोसेशन टाइप का है ना शिकार करने आते थे और यहीं पे रुकते वगैरह थे तो उससे संबंधित यहां पर पेंटिंग्स तुमको देखने के लिए मिलती है यह अम्ब्रेला शेप में है क्लियर है ओके रावण छाया सेल्टर इंपॉर्टेंट है ये इट इज इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूं ना ना इंपॉर्टेंट है है ये ये सीधे सीधे एग्जाम एग्जाम में में सवाल आएगा, में सवाल आएगा आएगा अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो लोग पीएससी दे रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से देखेंगे ये क्या है लिपाक्षी पेंटिंग है और ये कहां पे है बेसिकली तो ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा विजयनगर कर्नाटक वही याद होगा विजयनगर तो समझते हो ना अब यहां पर तुम ध्यान से देखो इस पेंटिंग को अभी तक तुमने तुमने जितनी भी पेंटिंग्स देखी हैं इसमें अंतर क्या समझ में आ रहा है देखो यहां पर जो पेंटिंग्स है ना इसमें ना आउटलाइन देखो ये ब्लैक कलर की आउटलाइन है इसमें ये इसमें खास बात है इसमें तुम देखोगे ना ये तो ये ब्लैक कलर की आउटलाइन है मैं ब्लैक कलर से बना नहीं रहा हूं मैं बस तुमको मार्क करके दिखा रहा हूं ध्यान से देखो इसमें ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग देखने के लिए मिलती है ये पहली बार देखने के लिए मिलती है देखो ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग देखने के लिए मिलती है तो कुछ भी इन्होंने बनाया है ना तो वो कैसा बनाया है ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग की है इसके अलावा देखोगे ना तो तुम इसमें जैसे ब्लू कलर है वो मिसिंग मिलेगा जो हमने अभी स्टार्टिंग में अजंता या अलोरा में देखी थी जो हमारे बेसिक या प्राइमरी कलर्स बोले जाते हैं जिनको वो यहां पर एबसेंट मिलेंगे उनका प्रयोग नहीं है देखो ध्यान से देखो यहां पे यहां पर जो तुम्हारे प्राइमरी कलर्स हैं उनका उपयोग यहां पे नहीं है ठीक है क्लियर है और यहां पर देखो बेसिकली यहां पर भी धर्म से संबंधित चीजें नहीं बनाई गई हैं यह भी क्या है सेकुलर सिंपल है ठीक है तो यह रिलीजियस नहीं है यहां पर ब्लैक आउटलाइन तुमको बिल्कुल याद रखना है ठीक है अब यहां पर तुम और ध्यान से देखोगे तो पेंटिंग की क्वालिटी थोड़ी गिरी हुई नजर आ रही है ना चट थोड़ा तुमको चमक दिखाई देगा लेकिन पेंटिंग की क्वालिटी जो है ना वो वैसी नहीं है है ना पेंट की क्वालिटी भी थोड़ी गिरी है पेंटिंग भी उतनी अच्छी नहीं बनाई गई है 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 जैसी हमको पहले थी क्लियर ये ये कुछ कुछ पॉइंट याद रखना लिपाक्षी पेंटिंग विजयनगर कर्नाटक अच्छा देखो क्या है तुम्हें ना तीन नंबर में सवाल पूछ सकता है ये जो मैं बता रहा हूं ना तुमको ये तीन नंबर में सवाल पूछ लेगा लिपाक्षी पेंटिंग के बारे में कुछ लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अब देखो क्या होता है वो तो सिंपल सिंपल पेंटिंग्स थी जो पहले म्यूराल uh, और फ्रेस्को पेंटिंग्स थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली अब हम चर्चा करेंगे मिनिएचर मिनिएचर के के बारे 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 में के बारे में में किसके पेंटिंग्स चर्चा करेंगे मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है <coughs> देखो तो पहले तो सिंपल क्या होता था कि दिवालों के ऊपर पेंटिंग बना दी गई या खंभों के ऊपर बना दिया गया तो उसको मुराल या फ्रेस्को तुम बोल रहे हो ठीक है मिनिएचर क्या होता था एक सिंपल फ्रेम में पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसको बोला जाता था मिनिएचर अब कुछ लोगों को गलत फहमी यह रहती है कि मिनिएचर छोटी पेंटिंग को कहते हैं ये गलत धारणा है क्या एक बार फिर से मिनिएचर एक छोटी पेंटिंग को कहते हैं यह क्या है ये गलत धारणा मिनिएचर छोटी पेंटिंग होती है लेकिन मिनिएचर का मतलब छोटी पेंटिंग नहीं होता है ठीक है मेरी बात बहुत ध्यान से समझना मिनिएचर क्या होता है देखो मिनी mini, मिनियम करके एक ना लाल रंग होता था ठीक है मिनियम करके एक लाल रंग होता था रेड कलर का पेंट लेड पेंट शीशे से कलर निकाल सिंदूर होता है ना सिंदूर महिलाएं लगाती हैं सिंदूर तो वो भी शीशे से ही बनता है ठीक है तो वो रेड लेड पेंट होता था ठीक है तो उसी से शब्द आया है मिनियम मिनियम से निकला है क्या मिनिएचर पेंटिंग्स कहां पे निकला है मिनिएचर पेंटिंग्स तो ये बेसिकली क्या है कुछ वो पेंटिंग्स जिसमें बहुत छोटी छोटी बारीक डिटेल्स होती हैं कैसी डिटेल्स होती हैं बारीक डिटेल्स होती हैं अब इसके पीछे कुछ रीजन है देखो ये फोटो है मिनिएचर है ठीक है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पहले कुछ कुछ पॉइंट तो नोट डाउन कर लो क्या ये बेसिकली पच्चीस स्क्वायर इंच होगा ये पच्चीस स्क्वायर इंच इसका साइज रहेगा और इसका तुम टाइम लिख सकते हो नौवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक 25 स्क्वायर इंच रहेगा ठीक है और बेसिकली इसमें जैसे मान लो कोई 6 फुट का आदमी है बहुत लेमैन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं छह फुट का आदमी है तो वो इसमें ना एक बट्टा जाएगा मतलब एक फुट का दिखाया जाएगा ठीक है one by six, जैसे फुट का आदमी है तो उसको कैसा दिखाया जाएगा एक फुट का यह वन बाई सिक्स दिखाया जाएगा पच्चीस स्क्वायर इंच का होता है ठीक और इसमें बारीक डिटेल होती है अब मैं तुमको दिखाता हूं डिटेलिंग अब तुम बहुत ध्यान से समझना मजा आ जाएगा आपको जीवन में ध्यान से देखो अभी तक तुमने जो भी पेंटिंग देखी वो कैसी थी ऊपर ऊपर टाइप पेंटिंग थी ऐसे खींच दिया या उगा? कुछ लाउट लाइनिंग कर दी डिटेलिंग नहीं है उसमें जैसे मैं तुम्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाऊं जैसे मैं तुम्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाता हूं उसमें तुम ध्यान से समझने की कोशिश करना एक पुरानी पेंटिंग मैं तुमको दिखाता हूं तो उसमें देखोगे तुम तो उसमें क्या रहेगा उसमें प्रॉपर प्रॉपर डिटेलिंग नहीं है लेकिन इसमें पीछे क्यों नहीं हो रहा है ओके okay. नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है हाँ पीछे होगा अभी हाँ तो अगर कोई पुरानी पेंटिंग तुम देखो तो उसमें क्या है डिटेलिंग नहीं है इसमें देखो उतनी अच्छी तुमको डिटेलिंग नहीं मिलेगी कि किसने को किस तरह का माला पहना हुआ है उस माले में उतनी ज़्यादा डिटेलिंग तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगी ठीक है लेकिन अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं उसकी जो डिटेलिंग देखोगे आप उसकी जो डिटेलिंग देखोगे आप पूरी कंप्लीट और बहुत बहुत ज्यादा अच्छी डिटेलिंग है तो मिनिएचर में बेसिकली हुआ क्या डिटेलिंग बहुत अच्छी हो गई ध्यान से देखो तुम इस लड़की ने जो इसने गले में हार पहना हुआ है ध्यान से देखो तुम उसको ठीक है अगर तुमको थोड़ा बहुत भी नजर आ रहा होगा समझ में तो देखो तुम ध्यान से देखो उसकी डिटेलिंग देखो एक एक चीज अब तुम ना ये डिटेलिंग यहां पे देखो कान में कैसा पहना हुआ है यहां पे सर पे जो भी इसने पहना हुआ है ठीक है इसके हाथ के कड़े देख सकते हो तुम ठीक है इसकी जो ये जो भी पहना हुआ है इसने सलवार ठीक है या घाघरा तो इसको तुम ध्यान से देखो इसके ऊपर डिटेलिंग है है ना इसके ऊपर फूल पत्ती बने हो तुमको साफ नजर आ रहे हैं वो फूल पत्ती ठीक है इसके अलावा तुम देखो इसके जूते देखो ध्यान से तुम ये चूड़ीदार जो भी है इसकी 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 यहां पर देखोगे तो जूते में स्टाइलिंग है और उस चीज का ध्यान ये पेंटिंग बनाते समय रखा गया है गेटिंग ये जूते की जो मतलब नक्काशी है उसका भी ध्यान रखा गया है किसमें मिनिएचर पेंटिंग में अब देखो यहां पे इसके आसपास का एरिया जैसे यहां पे बगीचा टाइप का कुछ है वहां पे पेड़ पौधे लगे हैं तो उसका भी इसमें ख्याल रखा गया तो मिनिएचर पेंटिंग की खास बात और बहुत खास बात वो ये है कि इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी है ठीक है तो अब मिनिएचर पेंटिंग की हम शुरुआत देखते हैं तो ये देखो एक या और पेंटिंग है तो बेसिकली ये पेंटिंग कहां की है ये पाल स्कूल की है पाल स्कूल आप बता सकते हैं कहां पे था बंगाल सबको पता है बंगाल मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो रूफ वाला है ना बांग्ला रूफ का कॉन्सेप्ट ढलान वाला रूफ है ना अदीना मस्जिद याद करो क्लियर है जिनको भी याद आ रहा है वो हेलो बोलेंगे है ना या ऐसे थम्सअप करेंगे कि उनको याद आ गया है। है ना पाला स्कूल तो पाला स्कूल में बेसिकली क्या हो रहा था देखो उस समय ना लिखे जाते थे कैसे मेनुस्क्रिप्ट लिखे जाते थे तो ये मेनू कैसे लिखे जाते थे पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे मेनू कागज की खोज नहीं हुई थी उस समय तो पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे अब मेरी बात सम... ये बिल्कुल ओरिजिनल है ठीक है अब यहां पर देखो तुम साथ में एक तस्वीर बना दी गई बचपन में तुम्हारे या हमारे मम्मी पापा जो किताब खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल तो बाजू में ना ऐसा एप्पल बना रहता है ठीक है बाजू में क्या बना रहता है एप्पल बना रहता है बी फॉर बॉल बॉल बनी रहती है सी फॉर कैट बिल्ली बनी रहती है डी फॉर डॉग कुकुर बना रहता है इसी तरीके से यहां पर भी लिखा हुआ है और साथ में एक तस्वीर है यहां पर लिखा हुआ है और साथ में क्या है एक तस्वीर है अंग्रेजी में शब्द का जो प्रयोग होता है वो होता है क्या इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं इसको इलस्ट्रेशन ठीक है तो अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग होता है तो इसको क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन ठीक है और बेसिकली ये सब आ, यहां पर आप देखोगे तो ये कब से कब तक साढ़े सात सौ से लेकर ग्यारह सौ पचास ईस्वी तक रहेगा और इनका जो बेसिकली डेवलप कहां पे हुआ आ, वज्र नारायण स्कूल ऑफ बुद्धिज्म तो उन्होंने भी इसी तरह के पेंटिंग्स का प्रयोग अपने यहां किया तो ये पाल स्कूल था आगे देखो अब बात करेंगे अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट की किसकी बात करेंगे अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट की ठीक है अपभ्रंश की अब तुम सबसे पहले ये ये पेंटिंग देखो अब तुमको कुछ तो भी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से चीजों में बदलाव हो रहा है पहले कैसे बन रही थी अभी कैसे बन रही है अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट में तुम ध्यान से देखोगे तो बेसिकली एरिया देख लो तो यह है गुजरात और मेवाड़ वाला एरिया पश्चिमी वो पूर्वी भाग था बंगाल की बात करते थे अभी पश्चिमी वाला देखो तुम ये क्या है गुजरात और मेवाड़ वाला रीजन जो है वहां पर इस तरह की पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ समय क्या रहेगा समय काल रहेगा ग्यारहवीं से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी ठीक है और बेसिकली इसमें थीम क्या रहेगा जैनिज्म का थीम रहेगा जैन और वैष्णव थीम रहेगा क्या साइन थीम रहेगा वैष्णव वैष्णव मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण क्यों रहेंगे कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत बड़ा है बचपन में थे तो वो बचपन वाली लीलाएं हैं बड़े हुए तो जवानी की लीलाएं हैं और धीरे 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 उनके हर तरफ भगवान श्री कृष्ण का जीवन इतना बड़ा है कि गाय चराते हुए फोटो बना दो गोपियों के संग खेलते हुए फोटो बना दो है ना या बच्चों के साथ खेलते हुए फोटो बना दो तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत बड़ा है तो उसी से संबंधित है ये क्या वैष्णव स्कूल तो यहां पर तुम देखोगे वैष्णव थीम रहेगी अब यहां पर तुम ध्यान से देखो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं इट वेरी इंपॉर्टेंट आंखें देखो यहां पर तुम अगर आंख देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जो मछली की आंख है ना एक बार मैं जरा पेन चेंज करूं जो मछली की आंख है ना उससे मिलता जुलता है क्या कुछ बहुत ध्यान से देखना तुम ये देखो कुछ मछली की आंख जैसा दिख रहा है क्या तुमको देखो मछली की आंख नहीं होती बड़ी बड़ी सी अजीब सी आंख तो वो मछली की आंख निकली हुई है इस तरीके से तुमको निकलेगा इसके अलावा तुम ध्यान से देखो नाक तो ये है नाक ये है नाक तो नाक कैसी उभरी हुई नजर आएगी कैसी उभरी वैसे लंबी नाक होती है ना वैसी नजर आएगी इसमें ठीक है इसके अलावा तुम यहां पीछे का भी स्ट्रक्चर तुमको थोड़ा थोड़ा नजर आएगा तो नाक आंख स्टाइल दो तीन चीजें याद रखना एक तो प्रॉपर थीम याद रखना और दूसरी क्या याद रखोगे टाइम फ्रेम और जगह अपभ्रंश स्कूल ऑफ अब दिल्ली सल्तनत के समय लोगों को लगता है कि पेंटिंग काम बहुत अच्छा उदय नहीं हुआ या पेंटिंग्स का संरक्षण नहीं किया गया बात तो सही है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंटिंग्स पे काम नहीं किया गया लेकिन कुछ कुछ काम जरूर किया गया तो उसको मैं आपको बताता हूं यहां पे। देखो लोधियों के समय में ना थोड़ा सा काम हुआ और बेसिकली काम बेसिकली किसमें हुआ पर्शियन स्टाइल भारत में आती है यहां पर कौन सी स्टाइल आती है दोस्त पर्शियन स्टाइल जो है वो भारत में आती है कौन सी स्टाइल आती है पर्शियन स्टाइल आती है एक है एक जगह मांडू है ना मांडू अपने ही है ये मांडू पहले कैपिटल हुआ करता था तो वहां पर ना एक किताब मिली है जिसका नाम है निम्मत नामा ठीक है निम्मत नामा ठीक है तो उसके तर्ज पर है और उस समय शासक कौन हुआ करता था वहां का नादिर शाह ठीक है नादिर शाह तो उस समय की कुछ ये पेंटिंग है उसमें ध्यान से देखो ये एक आदमी बैठा हुआ है ठीक है ये एक आदमी बैठा देखो यहाँ पे भी नाक तुमको लंबी दिखेगी आंख थोड़ी बड़ी बड़ी दिखेगी यहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ है इससे ये लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं वहां भी पीछे दो लोग खड़े हैं शायद पंखा हिला रहे हैं ये कुछ लोग आए हुए हैं इससे मिलने हैं। तो बेसिकली थीम क्या है अब राजा रजवाड़ों की थीम की ओर बढ़ रहे हैं क्या पहले भगवान की थीम थी जैनिज्म में जैन बुद्धिज्म में बुद्ध या आ, हिंदुजम या हिंदुइज्म में देखोगे तो किसका श्री कृष्ण का थीम था वैष्णव थीम था अभी यहां पर देखो राजाओं की तरफ मूव कर रहे हैं क्या ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा है लेकिन यहां पर वही आंख थोड़ी बड़ी बड़ी मछलियों जैसी और नाक थोड़ी लंबी ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट जब तुम लिखोगे ना उसमें तुमको काम आएगा ठीक है आगे देखो तो बेसिकली क्या पर्शियन पर्शियन स्टाइल स्टाइल का का कॉपी कॉपी है ये कैसा लोग क्यों करते थे जैसे आज की रेट में क्या है आज की रेट में क्या है अभी तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको हीरो कौन सा पसंद है तुम हॉलीवुड का नाम ले लोगे है ना बॉलीवुड वाले हॉलीवुड की कॉपी करते रहते हैं तो उसी तरीके से इंडिया के जितने भी सुल्तान थे वो सब पर्शिया की कॉपी करते थे क्योंकि पर्सिया पर्शिया जो है बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी और सब उसकी उसी के जैसा करना चाहते थे बस ठीक है तो इसे ये सब पर्शिया की कॉपी करते थे अब हम बात करेंगे मुगलिया सल्तनत की किसकी बात करेंगे मुगलिया सल्तनत तो मुगलिया सल्तनत में मिनिएचर पेंटिंग पे जो है बहुत ज्यादा काम हुआ ठीक है आर्किटेक्चर में बहुत काम हुआ पेंटिंग में भी बहुत काम हुआ क्यों कुछ जो राजा थे वो खुद ही पेंटर थे इस वजह से हुआ जैसे एक जहांगीर है तो अभी तक तुमने देखा कि जो सेंटर थीम थी ना वो देवी देवता हुआ करते दे थे लेकिन यहां पर देखोगे तो सेंटर थीम क्या हो जाएगा राजा और राजा के जो काम है ना वो इंपॉर्टेंट है जैसे देखो राजा शिकार पे गया तो मैंने तुमको एनशिया जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने तुमको कि देखो राजा जब शिकार पे गया है तो उसके साथ किस तरीके से प्रोसेशन जा रहा है किस तरीके से लोग खाना वाना पका रहे हैं किस तरीके से राजा हाथी पे आ रहा है ये सब चीजें तो उसकी एक पेंटिंग बनाई जाती थी इसके अलावा जैसे हिस्टोरिकल इवेंट है तो मैं तुमको एक हिस्टोरिकल इवेंट बताता हूं जो सलीम था ना जब सलीम पैदा हुआ सलीम मतलब जहांगीर जहांगीर ज़्यादा समझ आएगा तो अकबर को खबर देने के लिए जो दासी आई वो सीन को बनाया गया है तो उसको ना पेंटर ने उकेरा, वो तो बहुत फेमस पेंटिंग है तो वो क्या है हिस्टोरिकल इवेंट है क्यों क्योंकि अकबर को बच्चा नहीं हो रहा था क्लियर है अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए लगा हुआ था उसने सलीम चिश्ती से भी कितनी बार जो है मन्नतें मांगी तो इसलिए उसका नाम सलीम भी रखा उसने उसको लगता था कि सलीम चिश्ती की मेहरबानी की वजह से पैदा हुआ है तो देखो ये क्या है हिस्टोरिकल इवेंट है तो उसके ऊपर एक पेंटिंग बनाई गई इसके अलावा इसमें कलर्स का बहुत भरपूर उपयोग किया गया खूब कलर्स डाले गए ठीक है इसमें तुम देखोगे ना एक लाइन ड्रॉइंग दिखेगी तुमको दिखाऊंगा एक्यूरेट लाइन ड्रॉइंग अभी मैं आगे देखूंगा तो बताऊंगा अब हुमायूं के साथ देखो बाबर के समय तो कुछ हुआ नहीं हुमायूं के साथ बहुत सारे पर्शियन क्योंकि आपको बताइए पर्शिया जाके रहा था जब शेर शाह सूरी ने उसको भगा दिया था तो तो वो अपने साथ दो फेमस पेंटर्स को लेकर आया था तो उनका नाम अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है और और मीर मीर शहीद अली। अली। क्या नाम है उनका? और अली। ठीक है। उनका ठीक तो किसके कोर्ट से लाया था शाह अब्बास थे उस समय परसिया में उनके कोर्ट से वो लेकर के आया था कहां पे मुगलिया सल्तनत में चलो देखो कैसी पेंटिंग है तो देखो अकबर के समय में पेंटिंग बनी ठीक है अकबर ने बेसिकली पेंटिंग्स पेंटिंग बहुत ध्यान दिया उसके लिए इसने कारखाना खोला ठीक है कारखाना खोला वर्कशॉप खोला बोला कि जो पर्शियन स्टाइल है उसको इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स करके कुछ फ्यूजन करके बनाओ तो वो सारे के सारे काम हुए तो इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस तुमको देखने के लिए मिलेगा कैलीग्राफी देखने के लिए मिलेगी कैलीग्राफी मतलब कुछ लिखा हुआ जैसे उर्दू वगैरह में कुछ लिख दिया ठीक है इसमें तो नहीं है तो उर्दू में लिख दिया ठीक है तो ये कैलीग्राफी है या फिर जो उर्दू नहीं उस समय जो भी भाषा चलती होगी उस भाषा में लिखना ठीक है तो ये कैलीग्राफी है ठीक है इसके अलावा क्या है पेंटिंग से साथ में लिखाई करना है ना इसके अलावा उस समय दो तीन जो फेमस पेंटर्स थे उनके नाम देख लो दशावंत बसावन और केसु ये तुम नाम याद कर सकते हो दशावंत बसावन और केसु अब तुम ध्यान देना अभी तक मैंने तुमको बताया ना इस्लाम में जानवरों और इंसान का पोर्ट्रे करना मना है लेकिन मुगलिया सल्तनत में यह चीज टूटती हुई नजर आती है कारण देखो यहां पे यह पेंटिंग देखो यह उसी समय की मिनिएचर पेंटिंग है यह जो महिला बैठी है इसने जो जेवर पहना हुआ है या जो गहना पहना हुआ इतना ज्यादा बारीक काम है इसके ऊपर कि तुम आज की डेट में यह किसी सुनार को अगर दे दो ना कि साहब हमको ऐसा जेवर चाहिए वो बना देगा यह देखो इसकी नाक देखो यहां पर तुमको जानवर भी नजर आएगा अब यहां पर देखो यहां पे जो आगे है वो आगे दिखेगा जो पीछे है वो पीछे दिखेगा कैसे ये लड़की आगे बैठी हुई है इसके हाथ में तोता है ठीक है अब वहां पे पीछे तुम देखो पीछे देखो जंगल झाड़ दिख रहा है क्या पेड़ वगैरह दिख रहे हैं तुमको तो यहां पर ना तुमको पेड़ दिखाई देंगे है ना मतलब जैसे भी जैसे भी पोस्टर होगा या जिस तरीके से भी बैठ करके बनवाया गया होगा उस तरीके से पूरा का पूरा पोर्ट्रे है ये क्लियर है इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है पोर्ट्रे है इसकी आंखें देखो थोड़ी कटीली होती जा रही है क्या इसकी आंखें देखो थोड़ी कटीली तिरछे नक्श होते जा रहे हैं क्या यहां तुमको राजपुताना झलक देखने के लिए मिलेगी अभी मैं बताऊंगा जैसे बनी ठनी एक और स्टाइल होता है ना राजपुताना में होगा तो आंखें थोड़ी और तिरछी हो रही हैं है ना नए नक्श जो हैं वो थोड़े तिरछे हो रहे हैं कटीलापन आ रहा है उसमें तो वो कहां से आता है वो राजपुताना स्टाइल की झलक है किसकी झलक है राजपुताना स्टाइल की झलक है है ना देखो अब इसमें बारीकी देखना तुम ध्यान से यहाँ पे चूड़ियों पे बारीकी देख लो तुमको यहाँ पे हाथ यहाँ पे ये यह पूरे के पूरे जो जेवर है ठीक है यहाँ पे ये यह जो तकिया है या फिर जो भी वो होगा उसकी बारीकी देखो उस पे और पीछे का जो पोर्शन है उस पर भी बारीकी तुम नजर देख सकते हो ध्यान से आगे देखो अब बात करते हैं जहांगीर खुद पेंटर था तो इसके समय में मुगलिया सल्तनत में बहुत अच्छी पेंटिंग्स लेकिन वो नेचुरल आदमी था वो चाहता था जो प्राकृतिक चीज है ना उसको कैद करूं तो जानवरों की खूब सारी तस्वीरें तस्वीर अब यहां पर देखो नई चीज क्या शुरू हुई ये देखो तुम बॉर्डर बॉर्डर अभी तक नहीं दिखा जाना तुमने तो बॉर्डर देखो अब यहां पर और ये बॉर्डर को भी कितना फूल पत्तियों से सजाया है ना

मुगलिया बादशाह के जमाने में या फिर नेचुरल चीजें देखने के लिए मिलती हैं ठीक है थीके? तो इनके जमाने में एक नाम याद रख सकते हो उस्ताद मंसूर नाम है तो ये बहुत फेमस पेंटर हुआ करते थे आ गया अब बात करेंगे शाहजहां की शाहजहां के समय तो सब कुछ बड़ी शानदार है तो पेंटिंग्स भी बहुत शानदार है ये पेंटिंग शाहजहां के समय की है ठीक है अब तुम इसमें ध्यान से देखो कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलि एलिमेंट गए यूरोपियन इंफ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा तुमको ठीक है इसमें अननेचुरल स्टिलनेस मतलब उल्टे सीधे पोज देखने के लिए मिलेंगे मैं भी बताऊंगा क्या कह रहा हूं इसके अलावा चारकोल और पेंसिल का भी उपयोग हुआ है और गोल्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है गोल्ड और सिल्वर का ठीक ये तो पॉइंट थे अब तुम देखो इस पेंटिंग में बहुत ध्यान से देखना समझना यह मैंने इसको दो पार्ट में करा ठीक है अब तुम पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखो इसमें इस लड़की का खोपड़ी देखो आप ऐसा कुछ झुका हुआ है ना इसका लड़की का खोपड़ी देखो ठीक है इसको खोपड़ी देखोगे आप सर तो वो किस तरीके से बैठी हुई है अब ये क्या है अननेचुरल आप ऐसे थोड़ा मुंडी करके ऐसे तो बैठते नहीं है नॉर्मल तो आप बैठते नहीं है तो क्या है अननेचुरल है ना अब जैसे वो बादशाह है तो वो एक गुलाब का फूल लेके बैठा हुआ है तो वो चौबीस घंटे गुलाब का फूल लेके तो बैठेगा नहीं अननेचुरल मतलब दिखावे वाला पोज है ना नेचुरल नहीं है वो ठीक है इसके अलावा यहां पर जो सर पे जो मुकुट पहना है इसकी बारीकी देखो तुम अब यहां का जो गहना अगर तुमको नजर आ रहा होगा साफ साफ तो इस गहने की कड़ाई देखो ध्यान से इतनी ज्यादा बारीक है कि तुम सुनार को दे दो वो बना देगा क्लियर है अब इसके अलावा ये गोल फ्रेम देखो तुमने अगर पिक्चर देखी होगी खूब सारी अगर तुम पिक्चरों के शौकीन हो तो जो यूरोपियन झलक है ना जो उधर साइड बनाई जाती है तो वहां पर सेम इसी तरह की फ्रेमिंग की जाती है ठीक है बादशाह और रानी क्लियर है अब यहां पर तुमको गोल्ड का काम भी नजर आ रहा होगा किस तरीके से इसमें गोल्ड का काम किया गया है है ना यहां पे बॉर्डर्स वैसे नहीं है जैसे जहांगीर के समय थे थोड़ा सा बदलाव है तो ये पेंटिंग ध्यान में रखना तभी तुम लिख पाओगे एग्जाम में अब बात करेंगे रीजनल आर्ट की तो ये तो था अभी तक ये तो थे मुगलिया सल्तनत अब बात करेंगे रीजनल आर्ट की तो मैंने तुमको बताया ना राजस्थानी तो देखो राजस्थान में थोड़ा दिखावे का सिस्टम जैसे राजा निकल रहा है तो पूरे मोहल्ले के लोग या पूरे राज्य के लोग ऐसा बाहर निकले हुए हैं ये देखो देखो ऐसा लग रहा है कि राजा देखो, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है जा रहा है और यहां साइड साइड से देखोगे तो ढोल बाजे ताशे सब बज रहे हैं और फूल वगैरह फेंका जा रहा है ठीक है तो यहां पर तुमको मुगलिया सल्तनत की भी झलक देखने के लिए मिलेगी और मुगलिया सल्तनत में राजपुताना झलक मिलेगी क्यों क्योंकि यहां के बहुत सारे आर्टिस्ट वहां जाते थे और वहां के आर्टिस्ट बहुत सारे यहां आते थे में ठीक है तो इससे क्या होता था फ्यूजन है दोनों का मुगलिया का भी मिलेगा तुमको और राजस्थानी फ्यूजन भी उनके मिलेगा तो बेसिकली मेवाड़ में एक स्टाइल प्रचलित है तमाशा राजा निकल रहा है तो फूल फूल फेंकना है ना या जैसे दीपावली का कोई सीन है या फिर होली का कोई सीन है तो ये सारी चीजें के तुमको तुमको देखने के लिए मिल जाएगा या जैसे राजा अपना शहर भ्रमण करने के लिए निकलता है तो वो सारी की सारी चीजें तुमको इसमें नजर आएंगे ठीक है एक बहुत फेमस पेंटर है इनके समय का नाम याद रख सकते हो सिहाबुद्दीन शाहिबु शाहिब्दीन ठीक है कहां का रीजनल आर्ट का कहां पे आप राजस्थान है ना और देखो यहां पे अब इसके साथ एक और स्टाइल डेवलप हुई जिसको बोलते हैं किशनगढ़ की रोमांटिक स्टाइल रोमांटिक स्टाइल में क्या है रोमांटिक स्टाइल में क्या है कि एक पेंटर था जिसका नाम था निहाल चंद तो उसने कुछ आ, पेंटिंग बनाई एक प्रेम कहानी बनाई जैसे हीर रांझा है ना रांझा है रोमियो जूलियट है इस तरह की प्रेम कहानी उसने बनाई सावंत सिंह और बनी ठनी की बनी ठनी इनका नाम है सावंत सिंह ये अब तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको इनके नए नक्श देखो इनके नए नक्श देखो आप इनके नए नक्श देखो ये देख रहे हो ये तिरछी आंखें ये तुमको मुगलिया सल्तनत में देखने के लिए मिली थी और देखो किस तरीके से सजे है। है ना? मैं तुम्हें 100% गारंटी ले रहा हूं कि तुम अगर कोई भी पेंटिंग देखने जाओ या कहीं भी तुम कुछ भी खरीदने जाओगे ये पेंटिंग तुमने अपने जीवन में जरूर 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 देखी होगी ठीक है यह हर जगह मिलती है पेंटिंग हर जगह तो ये क्या है बनी ठनी या शावन सिंह और बनी ठनी की प्रेम कहानी जो कि निहाल चंद ने बनाई थी क्लियर है अब यहां पर देखो इनके नए नक्श देखो इनके पीछे देखोगे तो तुमको एक हेलो नजर आएगा हेलो वो गोल वाला चक्कर ठीक है ये उधर भी गोल वाला चक्कर ठीक है लड़की देखो कितनी सजी धजी है ये लड़का भी देखो कितना सजा धजा है क्लियर है सावन सिंह और बनी ढनी की प्रेम कहानी और ये कहां पे चलेगा बेसिकली किशनगढ़ स्टाइल बोलते हैं इसको ठीक है पास में ही वहां पे एक राज्य है जिसको बोलते हैं बूंदी कोटा ठीक है और वहां के भी लोगों ने आ, काफी प्रचलन किया पेंटिंग्स में लेकिन वो बेसिकली किस थीम पे रहेगा कृष्ण भगवान की लीलाओं पर रहेगा तो कृष्ण भगवान की लीलाएं तो बाई डिफॉल्ट है तुमको अगर कुछ नहीं आ रहा तो कृष्ण भगवान लिख दो दो तीन नंबर तो तुमको मिल जाएगा गृह हालत में ठीक है अब बात करेंगे रीजनल स्कूल्स की तो एक तो आमेर और जयपुर है इसको धूंधार भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी आ, पेंटिंग्स का काफी प्रचलन हुआ है ना सवाई प्रताप सिंह के समय में मारवाड़ में देखो तो यहाँ पे जोधपुर और बीकानेर में भी काफी आ, इसका प्रचलन हुआ अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के आसपास बीकानेर में जो स्टार्टिंग की जो आ, जो पेंटिंग्स थी वो बेसिकली कहाँ थी

रीजनल स्कूल आर्ट तो अब सबसे पहला जो इसमें डेवलप हुआ क्या हुआ देखो मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे कमजोर हो गई मराठा आ गया तो मुगलिया सल्तनत भी धीरे धीरे कमजोर हुई और उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय तो बर्बादी हो गई थी मुगलिया सल्तनत तो जो उनके पेंटर्स थे उनके पास तो करने के लिए कुछ बचा नहीं तो वो धीरे धीरे आसपास के जगहों पर चले गए तो वहां पर एक और नई स्टाइल डेवलप हुई जिसको बोलते हैं पहाड़ी स्टाइल ठीक है तो आसपास के जो राजा थे पहाड़ी के वाले जैसे हिमाचल या उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहां पर उन लोगों ने उनको संरक्षण दिया तो एक है कांगड़ा स्कूल और दूसरा है स्कूल स्कूल कांगड़ा में बेसिकली क्या है तो राजा गोवर्धन थे ठीक है तो उन्होंने सॉरी राजा गोवर्धन सिंह ने काफी सारे जो चित्रकार थे या पेंटर्स थे उनको पेट्रोनिस दी और बेसिकली उनकी थीम क्या रहती थी बनवाने के लिए तो देखो ये भगवान श्री कृष्ण है बांसुरी बजा रहे हैं आसपास में उनके गोपियां हैं ठीक है है ना ये ये बेसिकली थीम रहा करती कॉमन थीम है ये भगवान श्री कृष्ण की थीम तुम्हें हर जगह मिलेगी जहां भी लिखना चाहो भगवान श्री कृष्ण का थीम तुम लिख सकते हो दूसरा कौन सा स्कूल है पहाड़ी स्कूल में दूसरा स्कूल है बासोली स्कूल ठीक है तो ये भी राजा कृपाल सिंह के समय जो है ये डेवलप हुआ बस इतना याद रखो काफी है अब आते हैं थोड़ा साउथ में देख लो भैया तो साउथ इंडिया में क्या है तंजाउर स्कूल चल रहा है तो तंजाऊर स्कूल में देखो क्या हो रहा है यहां पर जो पेंटिंग हो रही है ना यहां पर जो पेंटिंग हो रही है ना ये देखो ध्यान से कैसे हो रही है ग्लास के ऊपर हो रही है ठीक है एक ग्लास लिया उसके ऊपर <coughs> ओहो सॉरी छींक आ गई हमें क्षमा जाते हैं। देखो ये ग्लास लिया उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर पेंटिंग की ठीक है उसके ऊपर पेंटिंग की उसको उसको कहां पे तंजाऊ स्कूल में ठीक है तो ग्लास और बोर्ड के ऊपर इस तरीके से रख करके किसी क्रिएचर को बनाना तो तुम ध्यान से देखो ये मुर्गा लग रहा है क्या तुमको अब मुर्गा है या मुर्गी है ये नहीं मालूम मुझे लेकिन है उसी प्रजाति का कुछ ठीक है ये गोल शेप में है रेड कलर से है इसके अलावा यहां पर तुम देखोगे तो गोल्ड का काम बहुत तुमको मिलेगा गोल्ड है ना गोल्ड का काम भी तुमको यहां पे बहुत देखने के लिए मिलेगा क्लियर है ओके और देखो अब यहां पर आओ ये पेंटिंग देखो तो ये है माइसूर स्कूल की वो थी तंजावर की ये है माइसूर स्कूल की तो यहां पर क्या होता था जैसे ना पेंटिंग बनाई गई तो पेंटिंग में में क्या करते थे 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 देवी 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 देवताओं देवताओं को बनाते बनाते ठीक है और देवी देवताओं में ना दो देवी देवता बनाते थे। अब देखो यहां पे कितने दो देवी देवता बनाते थे एक ये देवी और एक ये देवी लेकिन जो बीच में बैठा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो साइड में बैठा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो दो देवी देवताएं है ना एक बीच में और एक साइड में तो जो बीच वाला है वो इंपॉर्टेंट है और एक नहीं है ठीक है मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है 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 इसलिए उसको साइड में, में में बनाया बनाया मेन मेन जो जो उनको बीच ठीक है। है? तो मोर देन टू फिगर्स और एक डोमिनेंट रहेगा मतलब ज्यादा पावरफुल है इसलिए ऐसा बनाया अच्छा ये तस्वीर देख के तुम कैसा लग रहा है कि थोड़ी चमकदार है चमक आ रही है इसमें है ना तो ये क्यों आ रही है चमक एक तरह का ना जेल यूज करते थे जिसको बोलते थे जेस्को ठीक है क्या बोलते थे उसको जैस्को ठीक है तो ये मिक्सचर है ठीक है मिक्सचर है किसका अरेबिक गम का एक मिक्सचर होता है ऑक्साइड और, और अरेबिक गम का मिक्सचर होता है उसका उपयोग करके जो है इसमें यूज करते थे तो उसको बोलते थे जस्को इससे क्या होता था थोड़ी चमक आई इसमें ठीक अब देखो आते हैं मॉडर्न पे तो अभी तक तो चल रही थी मिडाइबल वाली है ना एंशियंट और मिडाइबल अब बात करेंगे मॉडर्न की तो मॉडर्न मतलब वही अंग्रेज आ जाएंगे तो मॉडर्न हो जाएगा तो मॉडर्न आए अंग्रेज तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं जो हमारा यूरोपियन स्टाइल है उसमें तुम एक काम करो मिक्सअप करो क्या इंडियन स्टाइल को करो तो इंडियन स्टाइल भैया हो गई तो उन्होंने यहां पे वाटर कलर यूज करना शुरू कर दिया है ना बहुत सारे पेंटर पे, पेंटर्स को पेटरनाइज किया और बहुत सारे जो कंपनी के खुद के ऑफिसर थे वो भी पेंटिंग क्या करते थे ठीक है अब ये जो पेंटिंग है वो तुम देखो इसमें शेडिंग है शेड किया हुआ है शेडिंग का काम है

खुश हो रहे हैं लोग यहाँ पे देखो कंपनी का कोई ऑफिसर बैठा होगा साइड वाइड में देखो ये इधर कहीं साइड कंपनी का ऑफिसर दिख जाएगा तुमको है ना तो ये सारी की सारी चीजें वो लोग अपनी पेंटिंग्स में बनाते थे आगे देखो कंपनी पेंटिंग्स अब मॉडर्न पेंटिंग्स में उन लोगों ने बाजार पेंटिंग बनाया जैसे रोम में बाजार लगा करते थे तो उस तरह के जो है पेंटिंग्स यहाँ पर उन लोगों ने बनाई तो इंडियन बाजार है उसका बैकग्राउंड रोमन स्टाइल में कुछ कुछ करने की कोशिश उन्होंने की थी तो बेसिकली कहाँ पे बंगाल और बिहार के बाजार तो बंगाल भी बहुत पॉपुलेटेड था बिहार भी बहुत पॉपुलेटेड था तो उसी हिसाब से इन्होंने उसको बनाया आगे देखो अब जो पढ़ रहे हो यहां से भी सीधा सवाल आता है तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं, इनमें ऐसा समझो कि भारत में जो सबसे बड़े पेंटर्स हैं, उनमें से एक है राजा रवि वर्मा क्या नाम है इनका राजा रवि वर्मा तो मॉडर्न मॉडर्न पेंटिंग में सबसे बड़ा नाम आता है राजा रवि वर्मा का आता है क्यों आता है क्यों क्योंकि उन्होंने जो हमारी मैथोलॉजिकल चीजें थी ना महाभारत रामायण देवी देवता इनकी तस्वीरें बनवाना शुरू की पहले हमारे यहाँ ना देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं होती थी ठीक है देवी देवताओं की पेंटिंग्स नहीं होती थी ठीक है वो उनकी सिर्फ मूर्तियां बना करती थी लेकिन राजा रवि वर्मा ने उनकी इतनी खूबसूरत सूरत पेंटिंग बनाई कि वो हर प्रिंटिंग प्रेस से छप छप के छप आपके घर में अगर किसी देवी देवता की तस्वीर लगी होगी ना तो मैं बता सकता हूं 90% परसेंट चांस है कि वो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई होगी उसी का कॉपी पेस्ट होगा 90% परसेंट केस में मैं ये बोल सकता हूं कि वही होगी नाइनटी परसेंट क्या हंड्रेड परसेंट मान लो कारण क्या था इन्होंने ही बनाया ही था बाकी सारे लोग उसी से प्रेरित हुए थे ठीक है तो राजा रवि वर्मा इनको रफेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता रफेल ऑफ द ईस्ट बताओ रफेल कौन था यह आपके लिए होमवर्क है पता करिएगा रफेल किसको कहते थे और रफेल ऑफ द ईस्ट इसकी कहानी है मैं कभी फिर सुनाऊंगा राजा रवि वर्मा इतने अच्छा ये पहली चीज तो ये कोई राजा नहीं थे इनको पेटरनाइज किया गया था केरला के जो रूलर्स थे ना उन्होंने इनको पेटरनाइज किया था है ना इनको संरक्षण दिया कि ठीक है हम तुमको संरक्षण दे रहे हैं और इन्होंने फिर बहुत इतने अच्छे अच्छी पेंटिंग्स बनाई कि अंग्रेजों ने भी इनसे बहुत सारी, पेंटिंग्स ये तो केरला से रहे, इन्होंने बहुत सारी जो वेस्टर्न की मैथोलॉजी थी उससे रिलेट करके पेंटिंग बनवाई अब ये पेंटिंग बहुत फेमस है अब तुम बता सकते हो ये पेंटिंग में क्या हो रहा है तो ये तो देखो तुम्हें एक गिद्ध जैसा दिख रहेगा कुछ और अगर तुम्हें मैं लेके चलूं कि रामायण में बताओ तुमने इसको है तो तुम अभी फटाक से बोल दोगे सर जटायु है ये जटायु और ये देखोगे बोलोगे अब जटायु को मारेगा कौन तो रावण ही होगा और रावण के साथ कौन सीता जी तो ये पेंटिंग जानते हो कौन सी है इट इज इसका नाम जानते हो क्या है इसका नाम है जटायु वधम इस पेंटिंग का नाम क्या है जटायु वधम ध्यान से देखो बहुत प्यारी पेंटिंग है जटायु वधम माथोलॉजिकल तो इनकी थीम क्या रहेगी राजा रवि वर्मा की मैथोलॉजिकल अब यहां पर देखो जितने भी देवी देवता देख रहे हो ना तुम सारे के सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं राजा रवि वर्मा Zero... <laughs> yes. के द्वारा बनाए किसके द्वारा बनाए गए हैं राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए सरस्वती माता की तस्वीर ले लो लक्ष्मी माता की तस्वीर ले लो दुर्गा माता की तस्वीर सब किसके द्वारा मैक्सिमम जो बनवाए गए हैं किसके द्वारा राजा रवि वर्मा ठीक है अब ये पेंटिंग बताओ तुम किसकी है ये पेंटिंग किसकी है कितनी खूबसूरत पेंटिंग है अच्छा यह देखो एक लड़की है वो खड़ी है उसके हाथ में एक लैंप है और उसने उसका ऐसा कुछ किया हुआ है कि यह जो रोशनी है इसके चेहरे जा रही है कितनी खूबसूरत तस्वीर है यह कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये तो यह जो पेंटिंग है यह राजा रवि वर्मा ने नहीं बनाई है पहला पॉइंट अब मैं तुम्हें अच्छा अगर तुमसे सवाल पूछ ले कि लेडी विद द किस किसको कहते हैं या कौन लेडी विद द के नाम से जाना जाता है तो फ्लोरेंस नाइटेंगल जिनके नाम पे नर्स डे मनाते न, नर्स डे मनाते हैं ना नर्स उनके नाम पे उनका उनको लेडी विद द कहा जाता था कारण क्या था वो सैनिकों को देखने के लिए लैंप लेके जाया करती थी तो उनका नाम पड़ गया लेडी विद द लैम्प किसका फ्लोरेंस नाइटेंगल का तो ये कहानी इसकी पता किसकी है एस एल हलदर की एस एल हलदानकर की तीन बेटियां थी ठीक है उसमें सबसे छोटी बेटी का नाम था गीता ये तस्वीर गीता हल्दांकर की है ठीक है किसकी है गीता हलदानकर की ये पेंटिंग है क्षमा चाहता हूं मैं बार बार तस्वीर बोल रहा हूं जहां जहां मैंने तस्वीर बोला है उसको पेंटिंग समझ लीजिएगा तो ये किसकी है गीता हल्दांकर की तो एक्चुअली दीपावली का दिन था और एस ये दिए जला रहे थे घर वाले है ना तो एस एल हलदानकर को ऐसे ध्यान आया उन्होंने बेटी से पूछा और इन्होंने कुछ दिए ऐसे पकड़े थे कि उसकी रोशनी इनके चेहरे पर जा रही थी तो बेटी ने कहा जो भी आधा हल्दांकर ये भी बहुत बड़े पेंटर है तो इन्होंने ये पेंटिंग बनाई इट्स लेडी विद अ लैम बोला जाता है इसको ये जगमोहन पैलेस आर्ट गैलरी है मायसूर में वहां पर रखी गई है वहां पर रवि वर्मा की भी बहुत सारी पेंटिंग है लेकिन ये भी ठीक है अब शुरू करेंगे बंगाल आर्ट तो बंगाल में देखो टैगोर, है ना? तो इन्होंने भी, और रविंद्रनाथ टैगोर ये भी, बहुत बड़े पेंटर थे, पुएट भी थे, राइटर भी थे इनको तो भी मिला हुआ है, आप सबको तो पता ही चीजें नई शुरू की जो ब्लैक लाइंस के जो ब्लैक कलर ना या जो ब्लैक लाइन का उपयोग है वो सबसे ज्यादा इन्होंने शुरू किया तो ब्लैक लाइन का उपयोग रविंद्रनाथ टैगोर है ना अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में अब देखोगे एम एफ हुसैन एम एफ हुसैन बहुत फेमस हैं अब तुम देखो एम एफ हुसैन की पेंटिंग में तुमको तीन चीजें याद रखनी एक तो क्यूबिस्ट स्टाइल देखो मेरे को मॉडर्न आर्किटेक्चर ज्यादा समझ नहीं आता ये जो मॉडर्न आर्ट है मुझे नहीं आता है कुछ कुछ आता है वो मैं तुमको बता सकता हूं ठीक है हॉर्स और प्रोग्रेसिव आर्ट देखो ध्यान से ये घोड़ा है अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो समझना है ठीक है दिमाग नहीं लगाना इसमें ये घोड़ा है लेकिन घोड़े की गर्दन ये एक पैर ठीक है इसका कुछ पोर्शन इधर दिखेगा तुमको कुछ पोर्शन इधर दिखेगा कुछ पोर्शन इधर दिखेगा और कुछ पोर्शन उधर दिखेगा ठीक है तो ये ये इस तरीके का आर्ट है देखो यहां पर भी देख सकते हो तुम है ना तो यहां पर क्या होता है घोड़े आए यहां एक पैर यहां एक पैर उधर पूछ उधर पूरा घोड़ा नहीं दिखेगा तुमको और इनकी जितनी पेंटिंग्स है ना उसमें तुमको घोड़ा बहुत नजर आएगा खूब सारे घोड़े नजर आएंगे ठीक है तो हॉर्स दिखाई देंगे तुमको इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव आर्ट और, और कर बनाया करते थे आखिरी दिनों में लंदन में रहना पड़ा है ना अब और फोक पेंटिंग्स में देखोगे तो मधुबनी पेंटिंग्स है तो मधुबनी पेंटिंग क्या है भैया तो मधुबनी पेंटिंग जो मधुबनी एरिया है कहां पे ठीक है वहां की जो महिलाएं हैं वो मनाती हैं मधुबनी बिहार तो वहां की जो महिलाएं हैं वो बनाती है बेसिकली क्यों बनाती है राम के जो वापस अयोध्या आने है, उसकी खुशी में जो है बनाई जाती हैं, ठीक है ठीके? ये इसको basically status भी मिला चुका। पहले क्या होता था घर के बाहर गोबर पोता जाता था ठीक है गोबर पोता जाता था और गोबर पोतने के बाद उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी देखो तो ये सारी ना वहीं की है तो अभी वहां का जो स्टेशन है ना उन्होंने इनको इनकोट किया है कि आप स्टेशन पे भी इस तरह का आर्ट बनाएंगे है ना तो तुमको बहुत सारी जगह पे जैसे मेट्रो वगैरह है वहाँ पर भी भी ये सब तुमको तुमको देखने देखने के के लिए लिए मिलेगा मिलेगा है है ना आर्ट आर्ट जो लोकल या बहुत सारी ट्रेनों भी भी में तो वहां की महिलाएं ये आर्ट बनाती हैं मधुबनी पेंटिंग ठीक है इसमें भी भगवान वाला थीम रहेगा है ना श्री कृष्ण या राम जी ये सब थीम इसमें रहेगा ठीक है अब ये देखो ये है पट्ट ठीक है पट्ट चित्र तो बेसिकली क्या है ये उड़ीसा की ट्रेडिशनल पेंटिंग है है ना इस पर इसको थोड़ा ग्लॉसी लुक दिया जाए थोड़ी चमकदार पेंटिंग है ठीक है और आ, बेसिकली है ना रघुराजपुर जो उड़ीसा में है वो ये बनाता है तो तुमको ये याद है कौन कौन है ये देखो कृष्ण बलराम और सुभद्रा और कौन सा मंदिर जगन्नाथपुरी याद है तुमको ठीक है तो ये भगवान के ऊपर बनाई जाती है ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं है ना और ये कपड़े के ऊपर बनाई जाती है ठीक है किसके ऊपर बनाई जाती है कपड़े के ऊपर बनाई जाती है तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है पट्ट चित्र क्या बोलते हैं पट्ट चित्र पत मतलब कपड़ा चित्र मतलब उसके ऊपर पेंटिंग तो चित्र, कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी हो रही है है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसके बाद होता है, पिछवाई पेंटिंग्स तो पिछवाई पेंटिंग्स बेसिकली नाथ द्वारा राजस्थान में होता है वहां पर इसको भी हम मैं पढ़ाऊंगा कभी जब पेंटिंग्स वगैरह पढ़ाऊंगा आपको और भी हैंडीक्राफ्ट में पढ़ाऊंगा आपको ठीक है तो नाथ द्वारा राजस्थान में होता है और उस बेसिकली वहां पर भी मंदिर के पीछे वाले पोर्शंस में ठीक है वहां पर इस तरह की चित्रकारी की जाती है नाथ द्वारा राजस्थान पिछवाई पेंटिंग्स याद रखना पिछवाई मतलब पीछे है ना अब बात करेंगे और फोक पेंटिंग्स की तो देखो इसमें पटुआ आर्ट है ना या पटुआ पढ़ लो या पाटवा आर्ट तो ये भी बहुत पुराना आर्ट है ठीक है और ये बेसिकली मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आता था तो देखो जो पेंटर्स आते थे ना मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से उनको बोल दिया थोड़ा सा अनाज दे दो थोड़ा खाना पीना दे दो है ना और दो चार पैसे दे दो तो उनको बोलो कि तुमको इस तरीके से पेंटिंग्स बनानी है तो वो उस तरीके से पेंटिंग्स जो है वो बना दिया करते थे ठीक है वो उस तरीके से पेंटिंग्स भगवान की देवी देवताओं की या फिर कुछ भी तुम उनसे बनवाना चाहो तो वो पेंटिंग्स बना दिया करते थे ठीक है तो ये क्या हुआ पाटवा आर्ट दूसरे पे आओ समय इधर कुर्सी कर लेता हूं दूसरा हो अच्छा हाँ कालीघाट पेंटिंग एक क्या है कालीघाट पेंटिंग है वही कलकत्ता वाला है ना तो वहां पे ना वो लोग दीवालों पे, पे पेंटिंग किया करते थे बेसिकली ठीक है फिर समय बदलता गया धीरे धीरे और फिर उन लोगों ने क्या करना शुरू किया उन्होंने फिर सोशल सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया सोशल पेंटिंग्स है ना सोशल धीरे 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 जैसे कि मान लो कलकत्ता का एक आम आदमी क्या करता है दिन भर में तो मजदूर की जीवन है या फिर किसी अमीर आदमी का जीवन है उसके ऊपर जो है पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया कालीघाट पेंटिंग्स कहां कोलकाता अगला है पैटकर पेंटिंग्स तो पैटकर पेंटिंग्स जो है बेसिकली माँ मानसा से संबंधित है ठीक है मा मानसा को समर्पित है या संबंधित है बनाता कौन है इसको तो ट्राइबल्स बनाते हैं कहां के झारखंड के ठीक है और ये भी बहुत पुराना है ठीक है बहुत पुराना है ठीक और इसमें क्या बताया जाता है जो जीवन है मृत्यु के बाद मरने के बाद जो जीवन होता है ना आदमी का वो दिखाया जाता है किसमें पैटकर पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकता है कि लाइफ आफ्टर डेथ किस पेंटिंग्स में दिखाया जाता है आंसर है पैटकर पेंटिंग्स झारखंड की ट्राई मा मां मानसा क्लियर है और ये बंगाल में बहुत लोकप्रिय है हर घर घर में मिलेगा तुमको ये बनाने देखा ठीक है फोक पेंटिंग्स में आगे आओ आगे है कलमकारी पेंटिंग्स कौन सा पेंटिंग है कलमकारी पेंटिंग्स अब तुम समझो कि जिसका नाम ही है कलमकारी पेंटिंग्स वो कितना इंपॉर्टेंट होगा या मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उसको किस तरीके से कलम से बनाया जाता होगा बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा तो एक बैंबू का कलम बनाया जाता है उससे ये बनाया जाता है पॉइंटेड बैंबू की पेन से ठीक है ठीके? और फिर उसी से उसको पेंट भी किया जाता है तो देखो यहां पे तुम ध्यान से ये बेसिकली होता है आंध्र प्रदेश में एपी लिख देता हूं मैं मछलीपट्टनम वाली जगह है मछलीपट्टनम और श्रावस्ती है शायद हां स्त्री कला हस्ती और मछली पट्टनम या मसूली पट्टनम बोल लो तो वही अब यहां पर देखो ये कुछ भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं तुमको यहां पे और यहां पे ये अर्जुन दिख रहे हैं अब तुम समझो कलम से बनाया गया है इसके रथ के पहिए देखो पूरे गोल हैं क्या इतनी शानदार कलाकृति है ये आप खुद सोचो कि एक बांस के पेन से बनाया जाता है ये आप देख रहे हो आप खुद देखो पहले एक दो मिनट ना आपको समझ आएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको क्या क्या बताऊं इसमें हर चीज है आप एक बार इसको देखो और खुद से लिख सकते हो कि कितने ज्यादा बारीक कलाकृति की गई है इसमें है ना तो बारीक कलाकृति है बांस के कलम से बनाया जाता है पट्टनम और श्रीकला हस्ती में काम होता है आंध्र प्रदेश कलमकारी पेंटिंग्स इसको कहते हैं ठीक है अब आगे आओ वर्ली पेंटिंग्स तो वर्ली बताओ कहां पे है वर्ली बताओ कहां पे वर्ली आपको पता होना चाहिए कहां है ठीक कहा है थीके? तो वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो बनाते हैं तो काफी तीन हजार साल पुरानी कला है ये ठीक है इसमें क्या होता है जो चावल होता है ना चावल उसको पीस करके बनाते हैं ठीक है तो गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहां पर ये पाए जाते हैं ठीक है चावल जो होता है ना उसको पीस करके उसका पेस्ट बनाया जाता है ठीक है तो जैसे भीम में तुमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी वैसे ही है तो ये लोग भी वैसे ही बनाते हैं आज भी बनाते हैं ठीक है आज भी बनाते हैं क्लियर है तो देखो इसमें क्या है ध्यान से देखो इसमें क्या है इसमें देखोगे तो आदिवासी जीवन से संबंधित है क्यों दो कुछ लोग नाच रहे हैं कुछ लोग पानी ये कुछ लोग झूला झूल रहे हैं कुछ लोग खेती कर रहे हैं कुछ लोग जानवरों को बांध रहे हैं कुछ लोग उधर पंखा वंखा चला कुछ लोग यहाँ देखो फल फसल काट के ले जा रहे हैं यहाँ मोर घूम रहे हैं तो वो अपने जो जीवन है ना उनका रोजमर्रा का उसको वो लोग बनाते हैं उसको वो लोग इसमें पूरा दिखाते हैं ये क्या है वार्ली पेंटिंग्स गुजरात और महाराष्ट्र क्लियर है आगे आओ अगली पेंटिंग्स है थका थांग था थांग का पेंटिंग तो ये भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड है जगह रहेगी सिक्किम और जातक कथाओं से प्रेरित है जैसे जातक कथाएं है ना उनके ऊपर जो भी डिपेक्शन है कि, कि किस तरीके से पूरा चल रहा है तो वो जातक कथाओं से ये समर्पित है क्लियर है ये क्या है थांका पेंटिंग ठीक है अब यहां पर आ जाओ तो यहां पर तुम देखोगे तो इसको बोलते हैं मंजूषा पेंटिंग क्या बोलते हैं मंजूषा पेंटिंग ठीक है तो मंजूषा पेंटिंग है ये अच्छा देखो वहां पर ना सांप बहुत दिखाया जाता है तो ये भगवान भोलेनाथ है सांप और वो महिला तो वहां पर ना सांप बहुत दिखाया है। इसको कभी कभी स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं सर्प पेंटिंग है ना इसको सांप बहुत दिखाया जाता है तो इसको सर्प पेंटिंग भी कहते हैं तो ये बेसिकली वो पुराने समय का जो अंग होता था ना अंग अंग क्या याद है महाजनपद मैंने पढ़ाया था तुमको सोलह तो ये बेसिकली कहां पे बनाया जाता है उससे संबंधित है और कहां से कहां पे होता है ये भागलपुर बिहार है ना भागलपुर बिहार की पेंटिंग है ये इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना मंजुषा पेंटिंग क्लियर है तो अगर आपको और डिटेलिंग है और मतलब देखो ये तो पूरा कंप्लीट है पेंटिंग है ना किसी को कोई डाउट है तो मेरे पूछ सकता है बाकी अगर आप अन पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड है एच के टी लाइव ये कोड लगाना है आपको डिस्काउंट के लिए टेन परसेंट ठीक है ये मेरा नंबर है अगर आपको कोई डाउट होता है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इसके अलावा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपना नाम ऐड कराने के लिए इस पर आप मैसेज कर सकते हैं तो जो भी डेली के नोटिफिकेशन हैं या फिर डेली की जो तो चीजें हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी क्लियर है तो एच के टी लाइव ज्वाइन करिए कोड को शेयर कर सकते हैं या फिर कोई खुद भी प्रयोग कर सकते हैं क्लियर है चलो कुछ डाउट है तो पूछ लो अब हम आपसे दो मिनट बातें करेंगे एक दो मिनट बातें करेंगे किसी को कुछ पूछना है तो भाई पूछ सकते हो अच्छा भागलपुर बिहार क्या बात है सबको रट गया क्या किसी को कोई डाउट है किसी को कुछ सवाल आ रहा है तो पूछ लो बाप ठीक है किसी का कुछ और इंपॉर्टेंट है कुछ सवाल है समझ में आ गया सब समझ में आ गया ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना तुम्हारी जो पेंटिंग्स पूरे कवर कर दिए मैंने इसमें सारे कवर कर दिए बस मध्य प्रदेश के पेंटिंग्स रह गई हैं तो आज स्पेशल क्लास है आपकी साढ़े सात बजे है ना साढ़े सात बजे आपकी स्पेशल क्लास है अन एकेडमी ऐप पर मैं ले रहा हूं तो उसमें जो तुम्हारे फोक पेंटिंग रह गई हैं जो मध्य प्रदेश की हैं वो और पढ़ लेना इसके बाहर ना तो पी में सवाल आएगा और ना यूपीएससी में सवाल आएगा तो दोनों हमने यहाँ पे कवर कर दिए क्लियर है तो उसको तुम आज ज्वाइन आर्ट एंड कल्चर तो रट गया है सारे सब्जेक्ट तुमको याद हो जाएंगे डोंट वरी अभी आठ दस महीने का समय है तो आने वाले समय में सारे के सारे सब्जेक्ट तुमको याद हो जाएंगे क्लियर है तो कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी पूछ सकते हैं ठीक है ओके और वीडियो को ना लाइक करते हैं ना ताकि ज्यादा उस पर क्या आएगा अच्छा इंपैक्ट आता है अगर पसंद आएगा तो और कमेंट करके भी बताया करो उस नीचे कमेंट में कि कैसा है ये ताकि और बच्चों को उससे हेल्प मिलेगी ना कि पूरी डिटेलिंग चलो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इसको शेयर भी कर सकते हैं आप ताकि बच्चों तक समझ में आए कि उनको कंटेंट बेसिकली क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना कंटेंट नहीं होता है है ना जब तक आप सब कुछ डिटेल में एक बार पढ़ लोगे उसके बाद अब तुमको पेंटिंग से कोई सवाल पूछेगा तो क्या आप नहीं बता पाओगे आप हंड्रेड परसेंट जवाब दे दोगे ना उसका है ना नंबर सॉरी uh, जब अगर आपसे कोई पेंटिंग के ऊपर सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल चाहे यूपीएससी में आए चाहे पीएससी में तो वो तो आप कर लोगे ना हंड्रेड परसेंट कर लोगे आप इतना तो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर अगर मैं यहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते क्लियर है, है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या देखना है पहले थियरी नॉट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपका थियोरी कर लो उसके बाद बाकी तो सब हो ही जाएगा है ना क्लियर है चलो लेट्स क्लोज मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो